ना बीजेपी के दलों से डरते हैं, 500 रुपए में उनकी रैलियों में जाते होंगे लोग, ना हम मोदी से डरते हैं, ना हम शाह से डरते हैं। तो अब तक मोदी जी का जो भागता ना बुर्का पहन के अंदर बैठ के 500 रुपए ले रहे होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एनआरसी सीए के विरोध में आज पूरा देश उबल रहा है। लगातार 36 दिन से शाहीनबाग में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शाहीनबाग के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस अपने मुताबिक प्रदर्शन को हटाने की कोशिश करे, यानी सरकार शाहीनबाग की महिलाओं से डर रही है। इस ठंड में जम जाती है देह की नसें सारी, इन औरतों ने सड़क को घर बना लिया है। इनकी छाती से लिपटे बैठे हैं 3 साल के मासूम, जिनमें से घर जाने की कोई जिद नहीं करता। किसी के गर्भ में हाथ पैर हिलाते कोई जान पल रही होगी। इस सर्द वाली दोपहरी में जब सूरज भी लौ अपनी मध्यम रखे, शाहीनबाग की औरतें संविधान बचाने निकली है। घर के चूल्हे चाकी इनकी बाट देख रहे हैं, बर्तन धोए की नहीं, कपड़े सुखाए की नहीं। हर साल सर्द में जो खास पकवान बनाती थी, इस साल वो बनेंगी की नहीं। स्कूलों की छुट्टियों में जो मासी के बच्चे आने थे, वो इस बार आए कि नहीं। जहन के कोने में सब सवाल, चिंता दफनाए ये शाहीनबाग की औरतें निकली है संविधान बचाने। यकीन है तुम बचा लोगी इन बर्बादियों से हमें। हालांकि लगातार नेशनल इंडिया न्यूज की टीम शाहीनबाग की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं कि वहाँ की महिलाओं ने क्या कुछ कहा। हम औरतें न मरने से डरते, न पुलिस से डरते, न बीजेपी के दलों से डरते, न हम मोदी से डरते, न हम शाह से डरते। हम औरतें सिर्फ घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते कि हमें डर रहता है हम अपनी आबरू पे हमारी कोई हाथ ना डाले। दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि हम घर से नहीं निकलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें घर में रहने की, और अब हम इन बीजेपी के दलों से भी नहीं डरते, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मेरे भाई मौजूद है हमारी सेफ्टी के लिए। हमारी इज्जत पे हाथ डाल के तो दिखाए, हाथ डाल के दिखाए ये हमारी इज्जत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार द्वारा पारित किया गया कानून सीए के खिलाफ देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने कानून में जिस प्रकार मुसलमानों पर हमला कर रही है, उसी प्रकार ये उस अत्याचार को एक कानूनी जामा पहनाने का प्रयास है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में समानता की बात कही गई है और किसी भी आधार पर भेदभाव को इजाजत नहीं है, पर मोदी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना और उसके मूल पर प्रहार किया है। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में ही नया शाहीनबाग बनकर तैयार है। जगह जगह पर लोग अपने हक की मांग को लेकर सभी धर्म के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 36 दिन से शाहीनबाग में महिलाओं रात के अंधेरे और कड़ाके की ठंड में एनआरसी सीए के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित लोग जो सोशल मीडिया पर शाहीनबाग की मां पर ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, आइए जरा सुनते हैं इस पर शाहीनबाग की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। शाहीनबाग की माओं को 500 रुपए दे के प्रदर्शन का ये इल्जाम है। मैं कहती हूँ 500 रुपए अगर लेने के लिए दे के प्रदर्शन होता, तो अब तक मोदी जी का जो भागता ना बुर्का पहन के अंदर बैठ के 500 रुपए ले रहे होते, क्योंकि वो तो पैसे के सबसे बड़े भूखड़ है। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि 500 रुपए दे के मैं प्रदर्शन करी, हम शाहीनबाग में 500 रुपए लेके रात भर जग रहे, तो आप आओ के अपनी माँ बहनों को दो, हम आपको 2000 रुपए एक घंटे का दें। आप इस वक्त शाहीनबाग की महिलाओं को सुन रहे थे। शाहीनबाग में सबको समान रूप से देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। सारा आयोजन किसके हाथ में है कोई नहीं जानता, जिम्मेदारी बारी बारी से सब निभा रहे हैं। 5 मिनट खड़े रहिए तो कोई चादर, चाय खाने का पकौड़े पकड़ा जाएगा। माइक कभी किसी का है तो कभी किसी का, मंच का भी यही हाल है। आपको बोलना है, गाना या कविता सुनानी है, तो आइए और अपना नाम लिखा दीजिए, उसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो दूर की बात है, लोकल नेताओं या बड़े भैया की भी नहीं चल रही है। पैसे जितने बताए गए कि लेकर कि धरना में लोग शामिल हो रहे हैं, उतने पैसे का तो एक आदमी चाय, नाश्ता, खाना बांट रहा है खुद। आंदोलन को बदनाम करना सरकार का काम है, इससे शाहीनबाग या कोई भी आंदोलन डिगने वाला नहीं है। 500 रुपए में उनकी रैलियों में जाते होंगे लोग, मोदी ने पूरी मीडिया खरीद ली, पूरे लोग खरीद लिए अपनी रैली में, वो जैसे दे देकर बुलाते हैं, हमें भी यही समझ में उन्हें ये सुनना होगा कि यहाँ 500 रुपए में कोई आदर नहीं बैठा, इतने छोटे बच्चों को 500 रुपए में आदर नहीं बैठा, वो अपने हाथ
आपके लिए आई है, उन्हें मजबूर आपने ही किया है आज आने के लिए। शाहीन बाग अगर भाड़े पर लाए गए लोगों का आंदोलन होता तो आज वहाँ कश्मीरी पंडितों की विस्थापना पर चर्चा नहीं होती। ये पोस्टर बता रहा है कि शाहीन बाग का आंदोलन क्यों 36 दिनों बाद भी सभी को चुनौती दे रहा है। सबको पता है कि 500 रुपये देकर रैलियों में कौन रैलियाँ कौन कराता है, ऐसी रैलियों में जाने वालों को भी पता है कि कौन कौन कितना कितना देता है। शाहीन बाग के जज्बे को महज 500 में समेट देने वालों ने पटना का सब्जी बाग नहीं देखा और ना ही कोटा का शाहीन बाग। मेरी एक बात याद रखिएगा, आज इस शाहीन बाग को मुस्लिम महिलाओं तक समेटने की कोशिश हो रही है। जल्दी ही बहुसंख्यक महिलाओं एक दिन अपना शाहीन बाग बनाने वाली है। अच्छी बात है कि लोग अपने मोहल्ले में कोई बाग खोज रहे हैं। सरकार और मीडिया से लड़ते लड़ते एक दिन बेरोजगारों की फौज भी अपना बाग बनाएगी। बेरोजगार बाग, तब मीडिया को जाना होगा, बेरोजगारी के सवाल को कवर करना होगा। बहरहाल कल लखनऊ के घंटाघर पर मुस्लिम महिलाओं ने NRCCA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने विरोध कर रहे महिलाओं की कंबल चोरी कर लिए, ये कितना वाजिब है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में नया शाहीन बाग बनने नहीं देंगे। अब एक बात आप खुद ही समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर NRCCA को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण माहौल से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग उन पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ के पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।